ये दो इक्वेशन इस वाई स्क्वायर की हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है, बट वाई का हमें एक इक्वेशन मिलता है, और वाई का हमें दो इक्वेशन सॉरी कितना वन इक्वेशन दो यहाँ पे दो, ये जो दो सपोर्ट है वी ए एंड वी बी, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ जाएगा कि वी ए का हमें यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर करते हैं जिसको नाम देते हैं एक्स वन एक्स वन, और यहाँ पे भी एक सेक्शन कंसिडर करते हैं जिसका नाम देते हैं एक्स टू एंड एक्स टू, ठीक है। तो इन दोनों को कंसिडर करके हम यहाँ पे एक हाइट कंसिडर करते हैं और यहाँ पे एक डिस्टेंस एट अ स्मॉल एक्स कंसिडर करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एट दिस पोजिशन एंड दिस पोजिशन। हम ये जो हमारे पास वी है, वी ए एक्चुअली नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन एट ए पोर्शन पे एक्ट करेगा और वी बी भी बी पोर्शन पे इस तरह से एक्ट करेगा, बराबर है, क्योंकि ये सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सपोर्ट रिएक्शन इस तरह से एक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे वी ए के साथ जो वी और वी बी की हम नॉर्मली जैसे वैल्यू निकालते हैं, मतलब इन दोनों को हम एक सॉल्व करेंगे, मैंने उन प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे, जो कि ऐसा रहेगा कि यहाँ पे ये जो बीम है, मतलब ये पॉइंट है हमारा ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी है, मिडल पॉइंट सी, ओके। यहाँ पे एक डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस अगर मैं इसकी एल लेंथ दे देता हूँ तो यहाँ पे इस अगर एक्स डिस्टेंस पे, सॉरी इसको वाई बोल देते, ओके, अगर इस एक्स डिस्टेंस पे एक फोर्स है जिसका नाम है टी, तो हम इस एक्स ले लूंगा और मेरा रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो मेरा एल माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे और एक फोर्स है जिसका नाम है ई, ठीक है। अभी इस पोर्शन को भी मुझे डिफाइन करना है, तो मैं पहले एक्स निकालूंगा, लेकिन एक्स नहीं निकलेगा तो मैं इसे इधर भी एक वाई पोर्शन ले लूंगा, ठीक है। विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस, यहाँ से हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो आएंगे ही दोनों साइड से, ओके। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इस इधर भी आ सकता है और उधर भी एक्ट हो सकता है, बट एक्चुअली हमें क्या करना है, ये आर्च कब फाइंड हो रहा है, वाई हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल रहे हैं, जब हम ऐसे कॉलम को ऐसे मोड़ रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, सो हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, बराबर है। इफ अगर इन द केस अगर आज को कॉलम बनाना है, इट इज पॉसिबल नॉट, तो हम खींचेंगे तो बात की बात है, तो ये इस तरीके से हम उसको सॉल्व करके वी और वीवी की वैल्यू निकालेंगे, ओके। वी और वीवी की वैल्यू निकालेंगे और हम उसे सॉल्व करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे हमने दो टर्म ले लिए, दो प्लेन ले लिए, एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू हम उसे उनका अकॉर्डिंग टू दैट हम उसका मूवमेंट लेंगे, पहले हम एक्स सेक्शन का सॉल्व करेंगे, बाद में सेकंड सेक्शन का सॉल्व करेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अभी हमें निकालना क्या है, हमें जो फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं जिसके वजह से ये आर्च बन रहा है, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम एच इक्वल्स टू एक फार्मूला है, एच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके। तो ये इसका है फार्मूला। अभी यहाँ पे कुछ फार्मूले और लिखवाने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट, सिर्फ यहाँ पे तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ही फार्मूले हैं, बाकी का पूरा बेसिक नॉलेज है। यहाँ पे हमको y dx और y square dx निकालना है, तो y dx जो है इसका फार्मूला रहता है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 4h अपॉन l square, 4h अपॉन l square x into एल माइनस एक्स, ठीक है। फोर एच स्क्वायर, ये एक्स, ये वाला एक्स नहीं है, ये हमने कंसिडर की है लेंथ, ये एक्स उस फार्मूले में एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर एच अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब टोटल लेंथ हम डालेंगे, एच मतलब क्रॉन की हाइट डालेंगे, एल की यहाँ पे वाले, और एक्स को वैसा रहने देंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, वैसे दो इक्वेशन मिलेंगे, बिकॉज हम मूवमेंट इस पॉइंट का भी एड करना है और इस पॉइंट का भी एड करना है, ड्यूरिंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी कैन गेट दिस पॉइंट, ओके। नाउ हमें वाई स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर डी एक्स, तो वाई स्क्वायर डी एक्स का एक ऑलरेडी फार्मूला है जिसमें हम पूरी वैल्यू पुट करते हैं, हमें पूरा आंसर मिल जाएगा, वो है 8/15 एल एच स्क्वायर, जिसमें हम वैल्यू पुट करते ही हमारा वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सॉल्व the total arches. So we meet in our next lecture and we are solving the total arch. हमने क्या किया यहाँ पर, how arch is formed? Arch is formed by the tending or applying the horizontal forces which is called as a thrust. Okay. हम जब एक thrust ऐसा force उसके apply करते हैं तो जो straight line है वो arches में convert, मतलब एक उसका tending, some bend आ जाते हैं उसमें,
ओके, लेकिन ये आर्चेस कुछ अलग तरीके से रहते हैं। अभी यहाँ पे हमने दो हिंज सपोर्ट इस आर्चेस को लगाए हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज गिवन बाय कैपिटल एल। ओके, ये जो सी पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है आर्चेस का, उसे हम क्राउन बोलते हैं। देन एच, ये जो है ये हाइट है फ्रॉम बेस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द आर्चेस। ठीक है, यहाँ पे दो फोर्सेस पॉइंट लोड अप्लाई किए हैं। विद द हेल्प ऑफ पॉइंट लोड हम पहले वी और वीबी की वैल्यू निकालेंगे, जो नॉर्मली निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, वी ए प्लस वीबी इक्वल टू डी प्लस ई करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है। बाद में डी का हम वी ए के डी और ई का हम एक पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे, बाद में हमें वी और वीबी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें दो वैल्यू मिलने के बाद हमें टेबल बनाएंगे। टेबल में हम, जैसे मैंने यहाँ पे दो फोर्सेस है तो मैं यहाँ पे दो सेक्शन कंसिडर किए, पर तीन सेक्शन भी होते हैं। अगर यहाँ पे अगर और एक सेक्शन इस तरीके से होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीन सेक्शन कंसिडर नहीं करता। ओके, मैं यहाँ पे दो ही सेक्शन कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर मैं करना ही है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, उसे x3 एक डिस्टेंस कवर करके हम उसका डिस्टेंस x1 एज ए मार्क कर सकते हैं। वो भी सिंपल, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये बोलती है कि अगर आपका एक फोर्स है तो आप उस पर एक प्लेन डालो, और प्लेन डालने के बाद आप उस प्लेन को एक डिस्टेंस दो, और उस डिस्टेंस को लेके आप एक उसका टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद, मतलब वो टेबल इस तरीके से रहता है जिसमें आपको आपका ओरिजिन, अभी यहाँ पे मैंने पहला x1 जो सेक्शन लिया तो इसका ओरिजिन कौन सा है, ए है, एंड एंड पॉइंट कौन सा है, इसका डी है। तो मेरा जो ओरिजिन है वो ए रहेगा और उसका एंड पॉइंट रहेगा डी, तो उसका एक आर्च रहेगी एडी। ओके, डिस्टेंस भी हम लिखेंगे वहां पे हम मूवमेंट कौन सा ले रहे हैं वो मूवमेंट लगेंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मैं सब बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।